तो एक ही एंगल से दूसरा एंगल भी आराम होगा ना आपको, तो ए में पास में बी में फेल हो जाएगा कोई। ये आ गया ना सुभान अल्लाह। हेलो हेलो टूटेगा तू भी कंटिन्यू ये हुआ ना पोर्शन लुक एट हियर ऐसे या देखो सब लोग वन मोर टाइम मैं विषय टीच कर रहा हूँ या देखो हाउ टू एडजस्टमेंट ओके पहला नंबर सिर को सीधा रखो पैर को ओपन रखो ठीक है दूसरा सिर को रोटेट कर दो तीसरा इस हाथ को सिर के नीचे डालो ऊपर उठा दो थोड़ा सा बस ये हाथ को ऊपर उठाना ऐसा ऊपर नहीं उठाना हल्का सा ऊपर आप मत करिए मुझे करने दीजिए ठीक है अब इसको ऊपर उठाने के बाद इसको थोड़ा आगे पीछे करो आप कुछ मत करिए आप छोड़ दीजिए बस इसको थोड़ा आगे पीछे करो ठीक है ये देखना है कि बॉडी को इन्होंने लूज छोड़ा या नहीं छोड़ा अब इन्होंने पूरा लूज छोड़ा अब इस हाथ को इस एंगल में रखना है ठीक है C3 C4 के पास ये फिंगर गया ठीक है ये फिंगर गया अब इसको घुमाना है ये फिंगर जाके फिर सब घुमाना है ठीक है ये रखा एक ये दो एक ये दो इसमें कोई भी गैप नहीं है दिख रहा है इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है आप लोग क्या करते हो गैप नहीं होना ये रखा ये पूरा अब इसको जो पॉइंट है ये थंब को इसको दबाना हल्का सा ये नहीं कि जोर से दबा दिया हल्का सा दबाना है ताकि ये आपका ग्रिपिंग हिले नहीं ठीक है अब ये जो हाथ है इसको थोड़ा सा बैंड करना है और इसको इधर ही रखना है इसको मूवमेंट नहीं होगा फिर से देखो ये स्ट्रेट था इसको थोड़ा सा बैंड किया हमने पीछे साइड में अब हल्का सा ये हाथ है शोल्डर से 1 2 3 4 ठीक है 1 समझ में आया